कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री चार्जेस. देखिए, एवरीथिंग इन अवर नेचर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हर चीज हमारे नेचर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. हम लोग जिस अवस्था में रहते हैं, जिस टेम्परेचर में रहते हैं, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, ये क्या है, रूम टेम्परेचर. हम लोग जहाँ अभी बैठे हैं रूम में, थोड़ा सा टेम्परेचर अभी ज़्यादा है क्योंकि पसीना आ रहा है, गर्मी का मौसम है, लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोलेंगे तो 298 केल्विन, दैट इज़ रूम टेम्परेचर. ओके, अगर हम केल्विन में बात करें तो 298 केल्विन इज अवर रूम टेम्परेचर. तो ज़ीरो केल्विन कहाँ होगा, बहुत नीचे. ज़ीरो केल्विन से 298 ऑलमोस्ट 300 गुना है. 298 लगभग कितना है, 300. तो कहाँ ज़ीरो केल्विन और कहाँ 300 केल्विन. हम अभी जहाँ बैठे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन. ठीक है, अगर आप 0 केल्विन और 300 केल्विन को कंपेयर करो, सो इट इज़ ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत 300 गुना टेम्परेचर ज़्यादा है. समझ रहे हैं, हमको फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इतना ही होता है. हमारा रूम टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इतना ही होता है, इसलिए ये 300 केल्विन हमको एहसास नहीं होता. लेकिन आप कंपेयर करके देखें 0 केल्विन और 300 केल्विन को, तो अंतर कितने का दिखेगा आपको, 300 गुना टेम्परेचर बढ़ा है. 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, उससे ठंडा कुछ नहीं होता. समझ आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस वो है जहाँ बर्फ जम जाता है, और उसको केल्विन कितना बोलता है, 273 केल्विन. हमारी दुनिया में बर्फ कितने पे जमता है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उस टेम्परेचर को केल्विन कितना दिखाता है, 273 केल्विन, 273. तो 273 के नीचे ना ज़ीरो होगा, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 100 केल्विन, ऐसे करके 200 केल्विन, फिर करके 273 केल्विन आया होगा. समझ आया, 273 पे बर्फ जमता है. तो सोचो ये इतना ठंडा टेम्परेचर दिखाता है 273 पे, और नीचे जाओगे ज़ीरो पे तो कितना ठंडा होगा. वो दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर है जिसका नाम क्या रखें, 0 केल्विन. प्रैक्टिकली पहुंच पाना बहुत मुश्किल है वहाँ, ठीक है जी. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 0 केल्विन और हमारे रूम टेम्परेचर यानी 298 ऑलमोस्ट 300, 0 केल्विन और 300 केल्विन को कंपेयर कीजिए, 300 गुना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है. तो हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसका टेम्परेचर बहुत हाई है 0 केल्विन के कंपेयर में. हमको क्यों नहीं महसूस होता, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी उतना है, इसलिए हमको एहसास नहीं होता. समझ आया. अब दुनिया में जितनी चीज़ें रखी हैं, जितने मटेरियल रखे हैं, हर मटेरियल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है ना. और मटेरियल को रूम टेम्परेचर में रखा हुआ देख करके आप उसको कंपेयर कीजिए, अगर ये 0 केल्विन पर रखा होता तो कैसा होता, और 0 केल्विन से उठा के 300 केल्विन पर हम इसको रखे हुए हैं तो क्या क्या बदलाव आए हुए होंगे. 300 केल्विन यानी सीधे 300 गुना ज़्यादा हीट कर दिया हमने इसको, इतना ज़्यादा गर्मी में रख दिया. ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है. देखिए, अगर टेम्परेचर बहुत लो होता है, हम एक एटम की बात करते हैं, सिंगल एटम की. एक सिंगल एटम होता है बहुत ठंडे टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर से भी बहुत गुना ठंडा टेम्परेचर. तो सपोज़ इसमें, इसके न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं ऐसे, और कुछ निगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहे होंगे. दिस इज़ निगेटिव चार्ज, और ये एक एटम है, और एटम कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है. ठीक है, जब ये ठंडे टेम्परेचर पर रहता है तो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, है ना. अंदर के पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में होते हैं वो बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा के खींचे रखते हैं, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, नेगेटिव चार्ज है. प्लस और माइनस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वो दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स है. हम जहाँ रहते हैं उस दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स है. तो ये इस पर एक स्ट्रांग फोर्स लगा के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है, और इसको कहीं भागने नहीं देता. और इन घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ इतनी सी ही एनर्जी होती है कि ये सिर्फ घूमने की ड्यूटी पूरी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, इतनी ही एनर्जी होती है. समझ आ रहा है, आया जी ये समझ में, नहीं आया. ये कब की बात हम कर रहे हैं, ठीक. अच्छा, अब इसको उठा के हम रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं. रूम टेम्परेचर तो 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर आते समय, यानी 300 केल्विन आते समय, हमने टेम्परेचर को कितने गुना बढ़ाया, 300 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया. तो बहुत बड़ा टेम्परेचर है ये. इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है बहुत सारी हीट मिल गई होगी एटम को,
हर चीज तो एटम से ही बनता है ना, तो आप एक एटम को इमेजिन कीजिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं ये। अब हमने इसको उठा के रूम टेम्परेचर में रख दिया, यानी गर्मी को सीधे 300 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली, हीट एनर्जी। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा, तो इस घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो घूमते 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 एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा फास्ट घूमेगा, और ज़्यादा फास्ट घूमेगा तो अंदर का फोर्स उसको संभाल नहीं पाएगा सेंट्रिपिटल वाला, ये बाहर चला जाएगा। स्पीड अगर ज़्यादा हो गई तो क्या होगा जी, घूमते घूमते कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, अब ये बाहर निकल गया। पहले ये कितनी बॉडी थी, सिंगल, एक ही था ना। अब एक से कितना हो गया, दो बॉडी बन गई। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और एक ही बचा कुचा हिस्सा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना चार्ज भी ले जाएगा, कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई, इसमें से ये न्यूट्रल एटम था, एक नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये कैसा चार्ज हो गया, इसका नेट चार्ज पॉजिटिव और इसका नेट चार्ज नेगेटिव। अब ये एक बॉडी है कि दो बॉडी, अब ये दो बॉडी बन गई। ठीक है, ये जो बना इसके कंपेयर में इसका मास बहुत हल्का होगा एक इलेक्ट्रॉन का। ये तो अभी तो पूरे पॉजिटिव चार्ज यहीं रखे हैं, हम एक प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1837 गुना हल्का होता है एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो बहुत भारी है एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये बहुत हल्का है। अच्छा, जब तक ये इसमें था तो सिर्फ ये क्या काम करता था, ऑर्बिट में घूमने की ड्यूटी करता था, और सिर्फ उतनी ही एनर्जी उसके पास थी। एक्स्ट्रा एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में उसको दी, गर्म टेम्परेचर में रख करके, तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से इसने क्या किया, ऑर्बिट की ड्यूटी से छुटकारा ले लिया, छुट्टी ले लिया, बाहर चला गया। ज़्यादा एनर्जी में यहाँ नहीं रह सकता। आपने 11th में बोहर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बोहर का कॉन्सेप्ट, उसमें बोहर ने ये बताया है जी कि देखिए ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ऑर्बिट एक ऐसी जादू वाली चीज़ होती है कि उसकी एनर्जी फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए उसमें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती अपनी। जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी आ जाती है जितना यहाँ चलने के लिए चाहिए, तो वो यहाँ चलता रहता है, कोई एनर्जी उसकी खर्च नहीं होती। ठीक है, समझ आया। और वो यहाँ उस एनर्जी से घूमता रहता है। सपोज़ यहाँ घूमने के लिए 100 जूल चाहिए, जिस इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल रहेगा वो यहाँ घूमता रहेगा। लेकिन अगर 101 जूल हो गया तो फिर वो यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ से उसको भगना पड़ेगा। तो इसका 101 हुआ हीट की वजह से, इसलिए ये भग गया। यहाँ रहने के लिए सिर्फ कितनी एनर्जी चाहिए, 100 जूल। ज़्यादा मिला उसको हीट की वजह से, इसलिए वो यहाँ रह नहीं सकता, बाहर चला गया। बाहर चला गया, फ्री हो गया, कौन सी ड्यूटी से, चक्कर लगाने की ड्यूटी से। तो हमने इसका नाम रख दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा इसका, अब इट इज़ फ्री टू मूव। ये फ्री है क्योंकि इसको चक्कर नहीं लगाना एटम का, कोई ड्यूटी पूरी नहीं करनी, ये फ्री है, जहाँ घुमाना चाहो इसको घुमा सकते हो, ये कहीं भी चला जाएगा। समझ आया। अच्छा, ये जो बचा हुआ हिस्सा रहता है इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं, एक एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये क्या बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ पूरा टुकड़ा क्या बनता है, कर्नल। कर्नल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ आपको समझ में आया, ये रूम टेम्परेचर पर होता है। मतलब हमारे आसपास जितनी चीज़ें रखी हैं हर एक में इस तरह हुआ होगा, है ना। कुछ ऐसे भी एटम होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा हीट चाहिए। तो जो चीज़ें रूम टेम्परेचर पर रखी हैं, कुछ ऐसे भी ज़बरदस्त एटम होंगे जो इसको बहुत तगड़ा पकड़ के रखते हैं ऐसे ऐसे अंदर की तरफ। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तभी इनको छूटने की आज़ादी मिलेगी। कुछ ऐसे आइटम भी होंगे, ज़रूरी नहीं कि हर आइटम इसकी तरह हो, अलग अलग तरह का मटेरियल होता है ना। प्लास्टिक और लोहा को कंपेयर करोगे कौन ज़्यादा मजबूत है, लोहा। तो प्लास्टिक का एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है थोड़ी सी हीट में, लेकिन लोहा अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा थोड़ी सी हीट में, उसको ज़्यादा हीट चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पर ऐसे आइटम भी आपको मिलेंगे, और ऐसे आइटम भी मिलेंगे जो रूम टेम्परेचर पर भी ऐसे ही बने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ते। समझ गए बात कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक मटेरियल के अंदर कितने एटम होते हैं, कितने, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 कि करोड़ों अरबों, हम उसका नंबर भी नहीं जानते। इतने सारे एटम होते हैं एक छोटे से मटेरियल में। समझ आया। अभी मैंने आपको एक एटम का ये फिनोमिना दिखाया कि रूम टेम्परेचर पर रखने से एक एटम के साथ ऐसा होता है,
कुछ के इलेक्ट्रॉन छिटक जाते हैं, कुछ के नहीं भी छिटकते, वो न्यूट्रल ही पड़ा रहता है क्योंकि वो और गर्मी झेल सकता है, है ना। इतनी सी गर्मी में उसका कुछ नहीं होगा, उसको और हीट मिलेगा तब वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे किसके अंदर, मटेरियल के अंदर। अब करोड़ों अरबों तरह के एटम हैं उसके अंदर, लाखों गिनती भी नहीं है, 10^10 आप जो भी मर्जी वो लगा लीजिए, इतने सारे एटम पड़े हुए हैं। तो इतने सारे एटम के अगर इलेक्ट्रॉन छिटक गए, समझ आ रहा है, तो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए होंगे एक मटेरियल के अंदर। सोचिए, जो चीज़ें भी रूम टेम्परेचर में रखी हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छिटक गए होंगे, यानी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में रखा है उसके पास, बहुत सारे कर्नल हो सकते हैं उसके पास, और बहुत सारे न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं उसके पास। ये समझ आया कि नहीं आया? ये कैसा एटम है? न्यूट्रल, क्योंकि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं गया है। तो जो चीज़ें हमारे इस रूम टेम्परेचर में रखी हुई हैं उस मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, बहुत सारे कर्नल भी हो सकते हैं और बहुत सारे न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर? बोलिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ओके, अब देखिएगा ना, अब हम थोड़ा सा आपको कुछ मटेरियल्स दिखाते हैं। सपोज ये एक मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर मैं 2-3 एटम बना देता हूँ बड़े बड़े। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ठीक है। एटम ये बड़े बड़े बना रहा हूँ ना, आप माइंड नहीं करेंगे, ठीक, दिखाने के लिए। तो हर एटम क्या होता है? न्यूट्रल। तो इसके पास जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। ठीक है, इनिशियली ये एक मटेरियल है, नेट चार्ज क्या होगा इसका? जीरो। और मैंने आपको बोला कि रूम टेम्परेचर पर अगर रखा है तो इसमें क्या क्या मिलेंगे? ये तो मैंने न्यूट्रल एटम बनाया है, और क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा और ये कर्नल भी मिलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा दूं माइनस चार्ज से, चल जाएगा माइनस चार्ज से कि नहीं चलेगा? माइनस चार्ज से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को। कर्नल को किससे दिखा दूं? पॉजिटिव चार्ज से। बोलिए, ये चीज कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? ये हर मटेरियल के अंदर ये चीज़ें होती हैं रूम टेम्परेचर पर रखी हुई, ठीक है, है ना। हाँ, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम एक बॉडी लाके उसको चार्ज करते हैं। चार्ज कैसे करते हैं जी? रब करके। एक ग्लास लाए हम, ग्लास को रब किए, चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। ग्लास में रब करने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आया। तो हमने ना उस ग्लास को अच्छा चार्ज किया और चार्ज करके यहाँ रख दिया ऐसे सामने, ठीक। इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पॉजिटिव चार्ज का एक ग्लास रॉड हमने सामने चार्ज करके रख दिया। इसी तरह से एक प्लास्टिक लिए, प्लास्टिक को रब करेंगे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज करके प्लास्टिक को यहाँ पर हम यहाँ पर रख देते हैं ऐसे। दिस इज प्लास्टिक, इसमें चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रख दिए, एक तरफ नेगेटिव प्लेट रख दिए, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा स्टोरी समझिएगा कि मटेरियल के अंदर जब हम चार्ज बॉडी ऐसे रखते हैं सामने, किसी भी मटेरियल के सामने, तो कौन सा एक्शन होता है और क्या होता है, ठीक है जी, समझ आया। ये सारे कौन से चार्जेस हैं? ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब देखिए, पॉजिटिव चार्जेस कौन से चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, बताओ कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, बोलो जोर से, और किस चार्ज को रिपल करते हैं? पॉजिटिव चार्ज किसको रिपल करते हैं? पॉजिटिव को रिपल, और अट्रैक्ट किसको करते हैं? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये इसको हमने बहुत चार्ज किया है तो बहुत सारे प्लस चार्ज हैं इस प्लास्टिक में, इस रॉड में, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ये क्या है? एक एटम न्यूट्रल है, है? ये इतने सारे पॉजिटिव चार्ज पकड़ के ये वाले एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का काम ही है नेगेटिव को खींचना अपनी तरफ। खींचे, अब दो चीज़ें होंगी, एक तो ये एटम ऐसा होगा, थोड़ा मजबूत क्वालिटी का होगा, तो ये अपने घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के खींचे रखेगा और घुमाता रहेगा। अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तभी ना ये घूम रहा है, नहीं तो भाग जाते फोर्स ना लगता तो, समझ आया। तो ये हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला एटम अंदर की तरफ ज़्यादा फोर्स लगा के खींचे,
अगर ज़्यादा फोर्स लगा के खींचेगा तो ये वाले चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएंगे क्या? अगर इसका फोर्स ज़्यादा होगा अंदर वाला, नहीं खींच पाएंगे। लेकिन अगर ये थोड़ी सी लो क्वालिटी का मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक है, हल्की चीज़ें, और इसके अंदर लगने वाला फोर्स वीक है, किससे? जो ये बाहर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज पार्टिकल। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दिया अंदर वाले फोर्स से, तो क्या होगा? इधर का फोर्स कम अंदर वाला, बाहर का फोर्स ज़्यादा, नेट फोर्स आ जाएगा किधर? बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टूट के यहाँ आ जाएगा, इसके पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये टूट के आ जाएगा ना, क्योंकि अंदर फोर्स कैसा लग रहा है? कम लग रहा है। समझते जाना जी, बहुत बढ़िया से इसको, ठीक है? हाँ जी, तो हमने क्या बोला कि इसने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो यहाँ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, अंदर फोर्स कम लग रहा था, इस वजह से ये टूट के कहाँ आ गया? यहाँ। अब इस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया? बोलिए, कैसा चार्ज हो गया? ये वाला एटम जो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। अब देखो, ये पॉजिटिव, ये एटम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिलके अपने बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इसको, इसकी भी ताकत मिली हुई है, और इसके पास अपनी भी ताकत है, क्योंकि ये भी प्लस हो गया है। ये प्लस मिलके दोनों इकट्ठे इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अंदर खींचने की ताकत कम है, क्योंकि अब दो हैं खींचने वाले इसको। तो ये टूट के यहाँ आया, और यहाँ से टूट के यहाँ आ जाएगा, तो ये भी चल के आ गया यहाँ। समझ आया? जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सब मिलके क्या करेंगे? इसको ऐसे खींचेंगे, है ना? फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये क्या करेंगे? सामने रखे हुए चार्ज को अंदर खींचेंगे, तो ये भी खींच के आ जाएगा, क्योंकि इसको इसकी ताकत भी मिली हुई है, इसको इन दोनों की ताकत मिली है, इसको इन तीनों की ताकत मिली हुई है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा के इसको खींचेगा, और ये भी ऐसे आ जाएगा। और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो रहा, इसके साथ भी 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 हो रहा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। समझ आया? ओवरव्यू क्या दिखता है हमको? हमको ये दिखता है कि ये तो न्यूट्रल मटेरियल था, इसका नेट चार्ज कितना था स्टार्टिंग में? नेट चार्ज क्या था स्टार्टिंग में? जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव थे, भले इलेक्ट्रॉन छिटके हुए थे, कर्नल था, न्यूट्रल एटम था, लेकिन नेट चार्ज तो जीरो था ना। कोई भी चार्ज मटेरियल छोड़ के तो नहीं गया बाहर, कोई बाहर से नहीं आया था, तो नेट चार्ज क्या था इसका? इसका नेट चार्ज जीरो था, ठीक है जी। अब जैसे ही हम दो चार्ज प्लेट लगाते हैं, और ये एटम के अंदर लगने वाला फोर्स थोड़ा सा कमजोर फोर्स होता है, तो ये क्या करना शुरू कर देता है? एक से इलेक्ट्रॉन खींचा, दूसरे से खींचा, तीसरे से खींचा, उधर से खींचना शुरू कर दिया। हमको क्या दिखता है? एक मटेरियल में एक दो एटम नहीं होते, करोड़ों अरबों एटम होते हैं, तो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने शुरू कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रेन ऐसे चलने लगती है। समझ आया? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चलने लग गए, चले इलेक्ट्रॉन, चले, तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को चलने दे रहा है। समझ आया? चार्जेस इसमें मूव हो रहे हैं। एक दूसरा फिगर देखिए, इसका दूसरा पहलू ऐसा हो सकता है, ये एक एटम बनाया, दूसरा एटम बनाया, तीसरा एटम बनाया, ठीक है। इसमें भी वैसे ही चार्जेस हैं, न्यूट्रल एटम है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने अंदर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके सामने भी हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रखते हैं, और इधर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ला के रख देते हैं। दिस इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये है ना। अब इसका नेट चार्ज कितना है? इसमें होंगे प्लस माइनस, जैसे वहाँ थे ऐसे ऐसे होंगे, अभी हम इसको नहीं बना रहे। सपोज अभी ये ऐसा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, नेट चार्ज कितना? जीरो, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एटम न्यूट्रल, ये एटम न्यूट्रल, ये एटम न्यूट्रल, हर एटम न्यूट्रल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ फोर्स लगा के इसको खींचे रखते हैं, बांधे रखते हैं और घुमाते रखते हैं। हमने बाहर से चार्ज प्लेट ऐसे रख दी, बाहर वाले चार्ज प्लेट फोर्स लगाएंगे अंदर वाले चार्जेस को, इसने इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, आ जाओ, ठीक है। लेकिन
उतना नहीं लगा पाया जितना अंदर लग रहा था, क्योंकि ये स्ट्रांग मटेरियल है। मटेरियल अलग 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 टाइप के हो सकते हैं हमारे यहाँ नेचर में, ठीक है। तो ये स्ट्रांग मटेरियल था, यहाँ अंदर लगने वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग था, और ये जो फोर्स लगा रहा था इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, ये उससे कम था अंदर वाले से। तो ये खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। अगर नहीं खींच पाएगा तो ये यहाँ आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब ये घूम ही रहा है, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकला क्या? नहीं निकला। तो इसका नेट चार्ज क्या? ज़ीरो। अगर इसका नेट चार्ज ज़ीरो है, ये पॉजिटिव जब इसी को नहीं खींच पाया, तो थोड़े दूर डिस्टेंस में जाके इसको खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। तो ये भी कैसा रहेगा? न्यूट्रल। ये भी कैसा रहेगा? न्यूट्रल। जब ये सब न्यूट्रल है, तो क्या ये यहाँ से माइनस चार्ज खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चल के आते, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अंदर लगने वाला फोर्स कैसा रहता है? ज़्यादा, और बाहर वाले फोर्सेस कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर बाहर वाले फोर्स ज़्यादा हो जाए तो क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं। समझ आया? तो ऐसे कुछ मटेरियल हैं और ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं हमारे यहाँ। दो तरह के मटेरियल हो गए हमने। इलेक्ट्रॉन के चलने के बेसिस पर मटेरियल्स का अलग अलग नाम रखा, उसका क्लासिफिकेशन किया। और इस तरह के मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को चलने देते हैं, इसका हमने नाम रखा कंडक्टर, या इसको क्या बोलते हैं? मेटल्स, ठीक है, कंडक्टर। और जो अपने अंदर से चार्जेस को नहीं चलने देते, नॉन कंडक्टर, या इंसुलेटर, या नॉन मेटल। समझ आ रहा है? ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक। जैसे एयर, एयर इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये किसके बेसिस पर हम नामकरण कर रहे हैं मटेरियल का? चार्ज के मोशन के बेसिस पर, चार्ज के कंडक्शन के बेसिस पर। जो भी अपने अंदर से चार्ज को चलना अलाउ करेगा वो क्या होगा? कंडक्टर। और जो भी अपने अंदर से चार्ज को चलना अलाउ नहीं करेगा वो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। उसका रीज़न समझ गए आप? ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, और आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट करें आप, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज मूवमेंट और मोशन ऑफ द चार्जेस, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। जो मटेरियल अपने अंदर से चार्जेस को चलने देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्यों चलते हैं, समझ आया रीज़न? ओके, कुछ एग्जांपल्स इसके मुझे नोट करवा दीजिए, कंडक्टर्स के क्या क्या हो सकते हैं कंडक्टर जो चार्जेस को चलने देते हैं? जैसे मेटल्स हो गए, और मेटल्स के अलावा और कुछ नहीं मालूम, और कुछ है जिस पर चार्ज चल सकते हैं? ह्यूमन बॉडी, नल से जो पानी आता है, दैट इज इम्प्योर वाटर, जिसमें सॉल्ट्स मिले होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ। इलेक्ट्रोलाइट्स जानते हो किसको बोलते हैं? किसको? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? थोड़ा जोर से, सॉल्ट सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जब पानी में आयंस बन जाते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, Cu2+SO4-2-, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि SO4-2- मूव होता है सेल के अंदर, बैटरी के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, केमिस्ट्री में, ठीक है, तीसरा चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे आप। इस तरह करके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, समझ रहे हैं? ओके, टैप वाटर, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें भी सॉल्ट्स होते हैं, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, समझ रहे हैं? सॉल्ट्स ही तो हैं सारे। सॉल्ट्स होगा, सॉल्ट्स क्या देता है? आयंस, जैसे NaCl, Na+Cl-, आयंस आया मतलब चार्ज आ गया, सॉल्यूशन के अंदर चार्ज रहेगा। तो हम जैसे ही दो प्लेट लगाएंगे कैथोड और एनोड का, तो चार्जेस चलेंगी, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट करेंगे। अब ये समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ये टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करने से बचना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे कैथोड और एनोड लगा के, तो चार्जेस चलेंगे, मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बनाता है।
ओके, ह्यूमन बॉडी ये क्यों कंडक्टर है? ह्यूमन बॉडी क्योंकि हमको पसीना आता है और हमारा पसीना नमकीन लगता है क्योंकि हमारी बॉडी में सॉल्ट्स हैं और जहाँ भी सॉल्ट्स होंगे खून में वो डिसॉल्व होंगे, तो जैसे ही सॉल्ट डिसॉल्व होता है पानी में सॉल्यूशन में तो क्या बनाता है? आयंस। आयंस बने तो करंट फ्लो होता है, इसलिए हमारी बॉडी में शॉक लगता है। ये रीज़न आपको याद रखना है, समझ गए? ओके सेकंड, अच्छा इसमें एक लाइन आप बचाइएगा ना, अभी हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, एक लाइन बचाइएगा। सेकंड टाइप का हमने जो बनाया मटेरियल, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं? विच डू नॉट अलाउज चार्जेस टू मूव विद इन इट। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल इंसुलेटर के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। सबसे बढ़िया इंसुलेटर तो एयर ही है, सबसे बढ़िया इंसुलेटर एयर। फिर ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है और प्योर वाटर, नॉन मेटल्स जितने भी हैं ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट मेटल है कि नॉन मेटल है? पेंसिल की लीड जो रहती है नॉन मेटल्स है, लेकिन करंट उससे पास होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप और बहुत सारे लिख सकते हैं, इसमें इंसुलेटर्स है। ठीक है, लकड़ी है, वुड है, प्लास्टिक है। ओके, प्योर वाटर, व्हाट इज़ प्योर वाटर? आपने देखा है प्योर वाटर लैब में? वैसे नहीं देखे कहीं। बैटरी में डालने के लिए जो पानी आता है वो प्योर वाटर होता है, उसको आप पी नहीं सकते, समझे? और प्योर वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता। हम जो पानी पीते हैं वो क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में? इम्प्योर वाटर। और हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पानी पीते हैं हम, जबकि वो फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या है? इम्प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर वो है जिसको हम बैटरी में डालते हैं, डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं वो प्योर वाटर है, और ये बैड कंडक्टर होता है। ओके, कंडक्टर्स जो अपने अंदर से चार्जेस को चलने देता है, अलाउ करता है, और इंसुलेटर जो अपने अंदर से चार्जेस को नहीं चलने देता। ठीक है, अच्छा जो कंडक्टर अपने अंदर चार्जेस को ज़्यादा चलने देगा वो उतना अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, और जो इंसुलेटर अपने अंदर से चार्जेस को बिल्कुल नहीं जाने देगा, थोड़े बहुत चले जाएंगे तो उसकी गिनती नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा रोक देता है, चलने ही नहीं देता, वो क्या कहलाता है? बढ़िया इंसुलेटर कहलाता है, गुड इंसुलेटर कहलाता है। ये जो गुण होता है कंडक्टर का और इंसुलेटर का, कंडक्टर का कौन सा गुण? ज़्यादा चार्जेस को चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा भेजेगा अपने अंदर से चार्ज। बहुत तरह के मेटल हैं, हो सकता है कॉपर उतने चार्जेस ना फ्लो करवाए, एल्यूमिनियम ज़्यादा फ्लो करवाता होगा, सिल्वर ज़्यादा फ्लो करवाता होगा, तो कॉपर के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा, या कॉपर ज़्यादा करवाता होगा एल्यूमिनियम कम करवाता होगा तो कॉपर ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर माना जाता होगा। ये जो उसकी खूबी होती है अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करवाने की, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा फ्लो करवा लेता है, कोई कम करवाता है, इसको क्या बोलते हैं इस खूबी को? इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब चार्ज को फ्लो करवाने वाला गुण, जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फ्लो करवाएगा और क्या कहलाएगा? ज़्यादा अच्छा कंडक्टर। ठीक है कि नहीं है, बोलिए। सो मोर कंडक्टिविटी तो क्या होगा? बेटर इज़ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है किसी मटेरियल के पास, वो मटेरियल उतना अच्छा कंडक्टर कहलाता है। समझ आया? इसको नोट कर लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी। More conductivity, better is the conductor. हाँ जी, और ये इसकी कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? ये जो रोकने का काम करता है इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। कैसा इंसुलेटर लेना पसंद करेंगे हम? जो करंट को अलाउ करता हो, जो कम अलाउ करता हो, जो बिल्कुल अलाउ नहीं करता हो, कैसा कंडक्टर लेना पसंद करेंगे? कंडक्टर की खूबी क्या होनी चाहिए, उसका काम क्या है? चार्ज को फ्लो
ना होने देना। तो कैसा कंडक्टर लेना चाहिए हमको, जो बिल्कुल ना फ्लो होने दे वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, इंसुलेटर माना जाएगा। और कैसा कंडक्टर लेना चाहिए हमको जो चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करवाए। तो अगर हम मार्केट जाते हैं कोई कंडक्टर खरीदने, कोई तार खरीदने, तो हमको कौन सा मटेरियल का तार लेना चाहिए जो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर हो, यानी ज़्यादा चार्जेस फ्लो करवाता हो, जिसमें से चार्जेस का लॉस ना हो, करंट लॉस ना हो। समझ रहे हैं? अच्छा, इंसुलेटर के लिए प्रॉपर्टी क्या बनी, जो ज़्यादा चार्जेस को क्या करेगा, क्या करेगा, रोकेगा, रोकेगा, वो उतना अच्छा इंसुलेटर कहलाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज को रोकने वाले प्रॉपर्टी। इंसुलेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ज़्यादा बढ़िया इंसुलेटर होगा वो चार्जेस को उतना ही कम चलना अलाउ करेगा, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं उसका, इंसुलेशन। हमने इसका एक नाम रखा है, इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? और ये आगे बहुत यूज होना है, इसको ध्यान से समझना, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ जी, वो जो इंसुलेशन आप कह रहे हैं उसी का नाम हम क्या रख दे रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एक इंसुलेटर को कैसा होना चाहिए, उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। सो मोर इज़ द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मोर बेटर इज़ द इंसुलेटर। जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, ये वही है चार्ज को रोकने वाला गुण, उसका नाम क्या रख दिए, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो उतना अच्छा इंसुलेटर माना जाएगा। आया समझिए या नहीं आया? आया। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनिए। कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है जी, तभी तो उसका नाम कंडक्टर रखे। इंसुलेटर से चार्जेस फ्लो नहीं होते, इसलिए उसका नाम इंसुलेटर रखे, नॉन कंडक्टर। क्या इंसुलेटर से कभी चार्ज फ्लो नहीं होंगे, कभी चार्ज फ्लो नहीं हो सकते? तो आंसर है हो सकता है। समझ आया? चार्ज फ्लो हो सकता है। तो अगर इंसुलेटर से चार्ज फ्लो हो सकता है, तो वो जो सामने सॉकेट लगी हुई है उसमें चार्जेस हैं कि नहीं सॉकेट में, तो वो वहाँ से निकल के मुझे शॉक क्यों नहीं देता? बीच में क्या है, एयर, एंड एयर इज़ ए गुड इंसुलेटर। सबसे बढ़िया इंसुलेटर एयर होता है। समझ आया? तो बीच में अगर एयर है मेरे और उस सॉकेट के दरमियान, इंसुलेटर है, एयर है, तो चार्जेस तो निकल के नहीं आते, क्योंकि चार्जेस इंसुलेटर में नहीं चल सकते। ठीक है जी, नहीं चलता। क्या कभी नहीं चल सकता? आंसर है नो, चल सकता है। कब चल सकता है? तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था इससे पहले वो डब्बा बना के, कि वो सेकंड वाला पार्ट याद कीजिए, इंसुलेटर वाला। हमने इधर चार्ज प्लेट रखा प्लस वाला, और वो एटम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि एटम के अंदर का फोर्स ज़्यादा था, और बाहर जो ये फोर्स लगा रहा था इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, वो कैसा था, कम था, इसलिए नहीं खींच पाया। अगर ये ज़्यादा लगा दे, अंदर जितना फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा फोर्स लगा दे इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, निकल के आना पड़ेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पहला वाला केस बन जाएगा, और पूरी ट्रेन शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यानी चार्जेस चलने लग जाएंगे। समझ आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया, बोलिए। आया, पक्का? फिर से यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए। ये वो एटम है, ऐसे ही समझिएगा ना, हम उसको सिमेट्रिक बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एक प्लेट रखी इस तरह से, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिए हैं इस प्लेट पर, ठीक। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाता है ये पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये ऐसे घूमता रहता है, निकल के आता नहीं। अगर ये इतना ज़्यादा फोर्स लगा दे कि अंदर लगने वाला फोर्स कम पड़ जाए और बाहर लगने वाला फोर्स ज़्यादा पड़ जाए, तो इसको आना पड़ेगा कि नहीं? और जैसे ही ये आएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों मिलके बगल वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे कि नहीं? फिर ये दोनों मिलके इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे कि नहीं? तो क्या शुरू हो जाएगा, कंडक्शन। और ये क्या बन गया, बोलिए, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया ना, पहले क्या था, इंसुलेटर। तो कंडक्टर बनाने के लिए क्या करना है, बोलिए। एयर है बीच में, एयर क्या है, इंसुलेटर। मैं इसको कंडक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ चार्जेस आ जाएं, एयर के अंदर में से दौड़ के आ जाएं,
तो क्या करना है, एयर के अंदर एक एटम को इमेजिन कीजिए, दिस इज वन एटम ऑफ एयर, एयर का इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐसे घूमता है ना, और एटम के अंदर के पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से पकड़े रहते हैं। अगर मैं बाहर से इतना फोर्स लगा दूं कि ये अंदर लगने वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाए बाहर वाला फोर्स, तो एयर के इस एटम में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को ये तोड़ के बाहर निकाल लेगा, निकल गया, अब ये क्या हो गया, चार्ज, प्लस चार्ज आ गया, और ऐसे करके अब तो आप जान रहे हो आगे ट्रेन शुरू हो जाएगी, है ना। और एयर में फिर क्या होगा, जितने सॉकेट में चार्जेस हैं सब के सब धड़धड़ा के एयर में आ जाएंगे और आके बुलेट जैसे चलेंगे, जैसे गोली चलती है, समझ आ रहा है। और इतने तेज़ी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे कि एयर के जब एटम रास्ते में फंसेंगे उसको हिट करेंगे तो इतनी तेज़ी से कोलिजन होगा कि ये गर्म हो जाएंगे, गर्म होकर चमकने लगते हैं और पूरा ये लाइट हो जाएगा, जलने लगेगा, समझ आ रहा है। और ये क्या है, ये स्पार्क है। लाइट कैसे पैदा होती है, स्पार्क क्या होता है, एक्चुअल रीज़न सुनिए कैसे लाइट दिखती है बीच में। वो हम आपको बता रहे थे ना, दो चार्ज मटेरियल ऐसे रखिए नोक बना के, तो एक स्पार्क इधर से इधर उड़ के जाता है, वो स्पार्क क्यों दिखता है, निकला क्या, चार्ज। जैसे चार्ज निकला बीच में क्या था, एयर, एयर के आइटम रास्ते में आए, वो चार्ज पार्टिकल यानी कौन, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराया, एयर के एटम से, और टकराया बहुत तेज़ी से, कोलिजन होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, गर्म हो जाएगा एटम, और एटम जब गर्म होता है तो चमकने लगता है, वो लाइट हमको स्पार्क बन के दिखती है। समझे कुछ कि नहीं समझे, तो स्पार्क क्या होता है, कैसे लाइट दिखती है, स्पार्क में लाइट कैसे आती है, क्योंकि कोलिजन होता है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच, तो कोलिजन होने से एनर्जी एक्सचेंज होती है, बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है और गर्म हो जाता है एयर का एटम, इसलिए वो चमकने लगता है, लाइट उससे निकलने लगती है। ये चीज़ समझे जी कि नहीं समझे, समझे ना। हाँ जी, अब चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है ना, इसको फोर्स लगा के खींचने के लिए हमको वो वाला फोर्स चाहिए जो चार्ज को पकड़ के खींच लाए। चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्ज पर फोर्स लगाना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एयर का पार्टिकल है, क्या है ये एयर के एटम है, एयर के एटम में से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकालना है, तो एयर के एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के निकालने के लिए, यानी एक कूलम चार्ज, हम नॉर्मली उसको कूलम में बनाएंगे, आगे जब कूलम पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, यानी एक यूनिट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएं कि वो टूट के बाहर आ जाए एटम से, एयर की बात कर रहे हैं ना। तो एयर के लिए याद रखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, वो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखिए कि हम फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स चाहिए हमको, तो एयर के एक इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए फोर्स का कैलकुलेशन है, फोर्स की जगह मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लगाना है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है इसको खींचने के लिए, तो याद रखिए ये बनाना है हमको 3×10⁶ न्यूटन पर कूलम, कितना 3×10⁶ कितना होता है, 3 के आगे 60 लगाइए, कितना हो गया 30 लाख, 30 लाख न्यूटन का फोर्स अगर हम एक कूलम के चार्ज के ऊपर लगा दें, समझना ध्यान से, 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा दूं मैं, 30 लाख न्यूटन, तो फिर वो एयर के एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा, टूट जाएगा, समझ आया। और टूट के निकल आया तो फिर ये क्या बन गया, ये इंसुलेटर था, अब क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। तो जब एक इंसुलेटर हार मान के सरेंडर कर देता है अपने आप को कि लो भैया अब हम ख़त्म, अब चलो चार्जेस फ्लो हो जाओ, ये जो स्ट्रेंथ इतनी देर तक वो बचा के रखता है, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता, और अब समर्पण कर रहा है, जब हमने कितना फोर्स लगा दिया 3×10⁶ न्यूटन एक एक चार्ज पर, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, कौन सी स्ट्रेंथ, चार्ज को ना फ्लो करवाने वाली स्ट्रेंथ है ना, उसने उस स्ट्रेंथ को क्या किया, ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने को बोलते हैं डाई, DIE, डाई, डाई यानी मर जाना। कौन सी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो नहीं करवाने की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो नहीं होने देने वाली स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ उसकी क्या हो जाती है, मर जाती है उस समय, और ये समर्पण कर देता है, समझ आया। और ये क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। तो उस समय उसकी जो स्ट्रेंथ है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड तक इसने बचा के रखा अपने आप को,
जब इतना लगा तब ना ये ब्रेक डाउन हुआ इसका, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। इंसुलेटर का क्या हो गया? ब्रेक डाउन, टूट गया इंसुलेटर और क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। तो ब्रेक डाउन कब आया? जब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए? 3 × 10⁶। अगर मैं ये 30 लाख है ना, 29,99,000 जो भी बनता है 999, उतना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये नहीं टूटा, उतना तो बियर कर गया ना, तो कितना इसने सह लिया। या ऐसे समझिए, सपोज 1,00,000 न्यूटन तक मैं फोर्स लगाता हूँ और ये नहीं टूटता, 1,00,000 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ और ये नहीं टूटता, जैसे ही 1,01,000 न्यूटन लगाता हूँ इलेक्ट्रॉन टूट जाता है। तो इसने कब तक अपने आप को बचा के रखा, अपने स्ट्रेंथ को, 1,00,000 न्यूटन तक। तो इसका स्ट्रेंथ क्या हुआ? 1,00,000 न्यूटन पर कूलम। अब उससे एक भी ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा? ब्रेक डाउन, और ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। तो ये है इंसुलेटर का ब्रेक डाउन। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो अपने आप को भी स्टैंड रखता है, टूटने नहीं देता, इंसुलेटर बना रहता है, वो स्ट्रेंथ इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है, और ये इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि इससे जैसे ही ज़्यादा लगाओगे ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। समझ आया? ये लिमिट है उसकी, इंसुलेटर बने रहने की। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नोट कीजिए, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इट इज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको मिटा के लिखना चाह रहा हूँ, लिखिए, नोट कीजिए। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विथस्टैंड बिफोर इट ब्रेक्स डाउन एंड बिकम्स ए कंडक्टर। एक मटेरियल में, एक इंसुलेटर में जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो उतना अच्छा क्या होगा? इंसुलेटर, क्योंकि वो उतनी देर तक रोक के रखेगा, कंडक्टर नहीं बनने देगा अपने आप को। जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बियर कर जाएगा और टूटेगा नहीं। सो मोर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटर इज द इंसुलेटर। ठीक है, एयर के लिए आप वो नंबर याद रखोगे ना, फॉर एयर डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये याद रखोगे फिगर, कहीं न्यूमेरिकल में आगे यूज होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो कितने तरह के मटेरियल हुए? दो तरह के, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कुछ और तरह के मटेरियल हैं जो हमारे एडवांस फिजिक्स में हमको यूज़ होते हैं, आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं। जैसे एक बड़ा प्रोमिनेंट मटेरियल हमको मिलता है हमारे नेचर में, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? ये इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल है कि इसके लिए हम आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 12th में डिटेल से, और आपके पेपर में, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, सेमीकंडक्टर से सबसे ज़्यादा। ठीक है, ओके, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल विच बिहेव्स लाइक, सेमी नाम है इसका, सेमीकंडक्टर, सेमी यानी हाफ, आधा, आधा कंडक्टर, आधा नॉन कंडक्टर। तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं, दोनों गुण इसके पास होता है। और यही वो मटेरियल है जिसकी बदौलत आप लोग आजकल स्मार्टफोन चलाते हैं, अच्छे अच्छे कंप्यूटर चलाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं उसके अंदर जो भी ICs लगती हैं, चिप बनता है, गैजेट बनते हैं, उसके जो प्लेट्स बनते हैं वो सब इसी से बनते हैं, ये ना हो तो कुछ भी नहीं बन सकता। समझ आया? सो दिस इज द कंडक्टर एट लो टेम्परेचर, इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। एट लो टेम्परेचर इट बिहेव्स एज इंसुलेटर एंड एट हाई टेम्परेचर इट बिकम्स कंडक्टर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एटसेट्रा। ठीक है, सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हम ठंडा कर दें,
तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इंसुलेटर की तरह कैसे बिहेव करता है उसका डिस्क्रिप्शन हम पहले दे चुके हैं दो डायग्राम बना के, ठीक है ना। और थोड़ा सा गर्म कर दें तो गर्म करने से क्या होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में यही तो एक्सप्लेन कर रहा था, ठंडे टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर पर जब हम किसी मटेरियल को रखते हैं तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन छिटक जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होगा, उतने चार्जेस चलेंगे, तो फिर ये कंडक्टर बन जाता है। गर्म करते हैं कंडक्टर बन गया, ठंडा कर देते हैं इंसुलेटर बन जाता है, दोनों तरह बिहेव करता है, ठीक है। एक चौथी कैटेगरी भी हमने बनाई है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि इतना बढ़िया चीज़ है कि इसको हम पूरे चैप्टर बना करके आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ गए ना, इस पर फिर से बात करेंगे। एक और कैटेगरी इसमें बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, इसका नाम ही सुपर है, यानी ये कंडक्टर से भी क्या है, सुपर डुपर। कंडक्टर का काम क्या होता है, चार्जेस को फ्लो कराना। अब ये कंडक्टर का भी क्या है, बाप है, सुपर लगा है ना इसके आगे, तो कंडक्टर से भी सुपर डुपर होगा, यानी कंडक्टर में तो थोड़े बहुत रेसिस्टेंस भी होते हैं, चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, अपोजिशन होता है चार्ज को फ्लो होने में, लेकिन ये एक ऐसा मटेरियल होता है कि इसमें रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। क्या ज़ीरो, रेसिस्टेंस ज़ीरो हो गया मतलब चार्ज को रोकने वाला कोई है ही नहीं, और जब रोकने वाला कोई नहीं होता तो आप कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं, जब आपको रोकने के लिए कोई हो ही ना तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इन्फिनिट, समझ आया। तो इसमें इतना फास्ट करंट फ्लो होता है, इतनी फास्ट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ आया, क्योंकि इसमें अपोजिशन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, ठीक। और ये सब होता है लो टेम्परेचर पर, अभी भी हम जिस टेम्परेचर में रहते हैं उस टेम्परेचर पर हमको ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे रूम टेम्परेचर पर। सो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर इट बिकम्स, इट्स रेसिस्टेंस बिकम जीरो, इट रेसिस्टेंस बिकम्स जीरो एंड बिकम्स कंडक्टर्स, ठीक है, समझ आया। ये आगे हम फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग रेसिस्टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर में रेसिस्टेंस आएगा, वहाँ पर इसको फिर से हम डिफाइन करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि रूम टेम्परेचर पर हमको अभी तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिला है जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे, हाँ, लेकिन जब हम टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, कितना कम, 5 केल्विन 4 केल्विन 3 केल्विन, समझ रहे हो कितना ठंडा है, 273 केल्विन यानी 0 डिग्री होता है, उससे कितना नीचे चले गए हम, 5 केल्विन 4 केल्विन ऑलमोस्ट 0 केल्विन के बराबर, उतना ठंडा जब हम टेम्परेचर को कर देते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी उनका रेसिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, समझ आया। और जब उसी को रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो फिर रेसिस्टेंस आ जाता है, नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है वो, ठीक है, लेकिन ठंडे टेम्परेचर पर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह। और कुछ मटेरियल के नाम आप सुन लीजिए, जैसे मरकरी, मरकरी ये काम करता है, और हमने बहुत सारे एलॉय बनाए हैं मटेरियल को मिक्स कर करके सुपर कंडक्टर्स बनाया है, और उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर बनते हैं। ये तो मरकरी का मैंने बताया 5, 4, 3 केल्विन पर बनता है, हमने जो एलॉयस बनाई है मटेरियल को मिक्स कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर बनते हैं, और एक ना एक दिन हम ऐसे मटेरियल भी बना लेंगे जो रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, और उस दिन हमारी इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा, समझ गए जी, हो गया। तो ये है, इसको नोट कीजिए, ये क्लासिफिकेशन है मटेरियल का ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज।